मध्य प्रदेश के हरदा जिले में पटाखा फैक्ट्री में आग लग जाने से भीषण विस्फोट हुआ है। जहां इस घटनाक्रम में कई लोग मारे गए तो वहीं कई लोग गंभीर घायल हो गए। हादसे में घायल हुए लोगों को हरदा से इंदौर इलाज के लिए रेफर किया गया, जहां इंदौर के MY अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। एम्बुलेंस की मदद से स्वास्थ्य विभाग की टीम घायलों को लेकर इंदौर पहुंची। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर पहुंचे घायलों को इलाज के लिए MY अस्पताल ले जाया गया, जहां घायलों का इलाज जारी है। हरदा जिले से घायलों को इंदौर और भोपाल इलाज के लिए रेफर किया गया है, जहां दोनों ही जिलों में घायलों का इलाज किया जाएगा। घायलों को हरदा से इंदौर लेकर आए एम्बुलेंस के सहायक ने बताया कि जिस घायल को इलाज के लिए अस्पताल लेकर आए हैं उन पर दीवार गिर गई है। घायल का घर पटाखा फैक्ट्री के पास ही था, यही कारण रहा कि ब्लास्ट होते ही दीवार घायल पर गिर गई। हरदा से इंदौर और भोपाल इलाज के लिए घायलों को भेजा जा रहा है, जहां और भी घायल इलाज के लिए इंदौर आ रहे हैं। दीपा भाई है, हरदा से रेफर किया गया इनको। नहीं, ये जो भगदड़ में गिर गई है, ऊपर दीवार गिर गई इनके ऊपर, जो ब्लास्ट हुआ आसपास में, उस चक्कर में गिर गई इनके ऊपर, दीवार गिर गई इनके ऊपर। हाँ, उसी हादसे में घायल हुई है। हाँ, हरदा की रहने वाली, फटाखा फैक्ट्री साइड में मकान है इनका, एक ही लेकर आए हूँ, और बाकी गाड़ियाँ आ रही है लेके, जो हाँ और भी गाड़ियाँ लेकर आ रही है, मतलब कि बहुत सारे घायल आ रहे हैं, पीछे गाड़ियों आई रही। MY अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि हरदा से घायल मरीज इंदौर आए हैं, जहां सभी का इलाज शुरू कर दिया गया है। फिलहाल हरदा से 4 घायल मरीज इलाज के लिए इंदौर आए हैं, जिनका इलाज शुरू कर दिया गया है। जैसे जैसे मरीज इंदौर आएंगे वैसे वैसे जानकारी दी जाएगी। अभी तक 4 मरीज आए हैं, चारों महिलाएं हैं, दीपा, बसंती, कोमल और मीना, है ना। तो ये 3 तो एक ही परिवार के हैं जो बाद में आए हैं। उनमें से एक को हेड इंजरी का है, लेकिन उसका भी CT हो रहा है। उसका CT होने के बाद उसकी अभी, लेकिन कॉन्शियस है, अच्छी बात यह है, कॉन्शियस है। दूसरा जो मरीज है बसंती, उसका ऐसा लग रहा है कि पैरों में फ्रैक्चर है। वो बाकी 2 मरीजों को भी देखा जा रहा है, वो अभी कंपेरेटिवली ठीक दिख रहे हैं, लेकिन सभी की जाँच कराने के बाद विस्तृत रिपोर्ट दी जाएगी। अभी चूँकि अभी मरीज आए हैं, तो प्राथमिक तौर पर उनका इलाज प्रारंभ कर दिया गया है। सभी जाँचें करवाई जा रही हैं, और जाँचें करने के बाद फिर मैं एक बार और आप लोगों को, अभी जो भी आएगा सबके लिए हमारे पास पर्याप्त इंतजाम है। जो भी आते जाएंगे उनके लिए हमने पर्याप्त इंतजाम कर, नहीं फिलहाल अभी जो 4 की सूचना थी वो 4 आ गए हैं। इसके बाद जो भी मरीज आएंगे उनको हम सूचना आपको देते जाएंगे। वो भी कॉन्शियस है, अभी वो भी कॉन्शियस है, उनका CT स्कैन हो रहा है, उसके बाद ही हम उसके बारे में विस्तार से बता पाएंगे उसको कितनी इंटरनल इंजुरी है। बाकी अच्छी बात यह है कि अभी कॉन्शियस है वो। मंत्री तुलसी सिलावट ने बताया कि हादसे के जिम्मेदारों पर कार्यवाही की जाएगी। ये दुखद घटना है, कोई शब्द नहीं है मेरे पास। आप जानते हैं कि पल पल क्षण क्षण की समीक्षा मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं, उदय प्रताप जी वहाँ होके आए हैं। जो एक जिम्मेदारी युद्ध स्तर पर राहत का चल रहा है, पहली प्राथमिकता हमारी है राहत पहुंचाना। और अभी एक ही परिवार के 4 लोग यहाँ आए हैं, एक मीना है, एक दीपा है, एक कोमल है, एक बसंती है। एक एक्सरे के लिए गई, एक CT स्कैन के लिए गई है। मुख्यमंत्री जी ने जो परिवार की मृत्यु हो गई है उन सबको 4-4 लाख रुपए, और जो घायल उनको उनका भी उपचार फिर किया जाएगा, और देश के प्रधानमंत्री जी के वहाँ से 2-2 लाख, और जो घायल उनको 50-50 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। 6 लोगों की कमेटी बनी है, जांच कमेटी, सब वरिष्ठ सीनियर अधिकारी हैं, और उस कमेटी के बाद जो भी जांच में आएगा उस पर कार्रवाई करेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के हरदा जिले में पटाखा फैक्ट्री में आग लग जाने से भीषण विस्फोट हुआ है, जहां इस घटनाक्रम में कई लोग मारे गए तो वहीं कई लोग घायल हो गए। हादसे में घायल हुए लोगों को हरदा से इंदौर इलाज के लिए रेफर किया गया, जहां इंदौर के MY अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ इंदौर।